नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। विदेश दौरे से मत्स्य मंत्री संजय निषाद आज लखनऊ पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। उसके साथ साथ पत्रकार साथियों से भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की, मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टर समिट को लेकर, आपकी टीम और आप विदेश यात्रा पर थे, क्या निष्कर्ष निकल पाया? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना था कि इन्होंने ऐसा माहौल खड़ा किया उत्तर प्रदेश और देश में कि अब दुनिया के लोग इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक समय ऐसा माहौल था कि यहाँ के लोग खुद दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब खुद ऐसा माहौल बना दिया कि लोग तैयार हो गए। निश्चित रूप से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मतलब उत्तर प्रदेश का जो फरवरी में होने वाला है, उसमें पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे और इन्वेस्ट करने के लिए लोग लगभग तैयार हैं। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बयानबाजी के अलावा और क्या है? उनके समय में तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो विपक्ष अच्छे नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए बिना निवेश का विकास हो नहीं सकता, तो मैं तो उनसे उम्मीद यही करता हूँ कि वो भी कुछ देशों में जाएँ और वहाँ से लोगों को, इंडस्ट्री वालों को ला कर इन्वेस्ट कराएँ। सर, पठान फिल्म को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे भगवा रंग पर? देखिए, अभी तो हम लोग बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी कि अब ऐसी इजाज़त भारत में नहीं होनी चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति पर कोई आदमी कुछ बोले, क्योंकि अब लिबरल होने का बहुत दंश झेल चुका है मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा। अब भारत जग चुका है सोशल मीडिया पर और इस देश के लोग अब जग चुके हैं और इस देश की अस्मिता पर, भारतीय संस्कृति पर थोड़ा सा भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाइकॉट होना चाहिए। हाँ, बाइकॉट होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी, जिन्होंने कहा विदेश यात्रा जो रही इन्वेस्टर समिट को लेकर एक अच्छा माहौल विदेश में बनाने की कोशिश की गई। अब देखने की बात है कि आखिर 2023 में होने वाले इन्वेस्टर समिट का असर लखनऊ में किस तरह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पठान फिल्म को लेकर लगातार सियासत हो रही, जिस पर उन्होंने कहा कि फिल्म का बायकॉट होना चाहिए। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।